उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के निर्देश पर विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम के निर्देश पर बख्शीपुर पावर हाउस के कोतवाली सूरज कुंड अधियारीबाग में विद्युत चोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 8 उपभोक्ताओं के मीटर में स्लो पाया गया और 1 उपभोक्ता रिमोट कंट्रोल से विद्युत चोरी करते पकड़ा गया। इसके खिलाफ कोतवाली और तिवारीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके संबंध में अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने बताया कि चेकिंग के दौरान अस्करगंज व मियां बाजार में 5 उपभोक्ताओं के मीटर में डायोड लगाकर 1 उपभोक्ता के मीटर में रिमोट लगाकर विद्युत चोरी करते पाए जाने पर इनके खिलाफ कोतवाली थाने में विद्युत चोरी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वहीं सूरजकुंड पावर हाउस से चेकिंग अभियान चलाया गया। अधियारीबाग में 3 उपभोक्ताओं के मीटर में संत लगाकर विद्युत चोरी करते पाए जाने पर उनके खिलाफ तिवारीपुर थाने में FIR दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि 1 उपभोक्ता के घरेलू कनेक्शन की जांच की गई तो वह 4 किलोवाट का कमर्शियल उपभोग करते पाए जाने पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया गया। चेकिंग के दौरान 45 बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील किया कि किसी के बहकावे में आकर या कम विद्युत बिल के चक्कर में मीटर के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की पूर्व सूचना देने पर ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई जाएगी और नियमानुसार उनके शुल्क लेकर कनेक्शन को ठीक कर दिया जाएगा। इस मौके पर अधिशासी अभियंता यदुराम ने मीटर से बिजली चोरी पकड़ने के तरीके को बताते हुए कहा कि अगर कोई उपभोक्ता बिजली चोरी करेगा तो बचेगा नहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने बताया, हमने लोड दे दिया है, 5 एम्पियर है लोड, हीटर लगी हुई है नीचे, आप देखिए हीटर लोड दिया गया है। जैसे घर में आप लोड देते हैं ना, इसे यहाँ लोड देकर चेक होता है कि इसका एम्पियर नाप लिया गया है। यहाँ मीटर देखिए, यही बताइए, इस मीटर में हर चीज वोल्टेज बता रहा है, एम्पियर है, 5.2 नहीं बताया, 5.2 एम्पियर है। अब यह 5.2 यहाँ ही पढ़ना चाहिए, देखिए 5 पढ़ रहा है ना, मीटर में 5 पढ़ रहा है, इसमें भी 5 पढ़ रहा है, देखो पीछे हो गया, एक मिनट जाइए, इसमें देखिए ये 5 है, मैंने 2 है, कोई इशू नहीं है, मैं दोनों बराबर पढ़ रहे हैं लमसम। पुराने मीटर से स्मार्ट, उसमें स्टोर में मीटर आता है, हम लोग एक मीटर चेक करते हैं उसकी रीडिंग क्या है, उसकी मीटर नंबर क्या है और मीटर की स्थिति क्या है। उस स्थिति में स्लो लिखा हुआ है, हम लोग मीटर एक एक मीटर चेक करते हैं, जो स्लो पाया था उसको अलग कर देते हैं और जो भी विवाही कार्रवाई हो अधिकारी को सूचित करते हैं। इसमें एम्पियर आप पढ़ो, उसमें एम्पियर पढ़िए, इसमें एम्पियर पढ़िए, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। इसमें कितना पड़ रहा है, 5.1, यानी कि मीटर स्लो है। ये जो पड़ रहा है जितना धारा हमसे ले रहा है, जितना लोड, उतना नहीं पड़ रहा है, यानी इसमें कुछ लगाया गया है, ये कम पड़ रहा है, यहाँ ज़्यादा दिखा रहा है। एक्चुअल में मतलब इतना होना, इतना नहीं होना चाहिए, 1.42 बहुत अंतर हो गया ना। हाँ, ये मीटर स्लो है, इसमें अभी तोड़वाया जाएगा तो संड पाया जाएगा, लेकिन हमने इसको रखा गया है, उपभोक्ता को बुलाया जाएगा, उसके सामने तोड़वाया जाएगा, उपभोक्ता की इसको एक्सट्रैक्ट करें कि हाँ एक मीटर गड़बड़ है। देखिए ये हमारा सीटी होता है, यही करंट को पड़ता है, करते क्या है लोग, ये दूसरा मीटर भी खोलिए, ये ये अलग से जो है उपभोक्ता ने टेम्पर किया, यहाँ से ये लगाया, जिससे वो रिमोट से जब चाहे मीटर रीडिंग पढ़े, जब चाहे न पढ़े। देखिए इसमें नहीं है रिमोट, इसमें नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस लगाया है, देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए, ये अलग से रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लगा दिया है सिंगल। रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस और उधर पैदा करता है, स्लो हो जाएगा, जितना करंट को यूज कर रहे हैं उतना करंट को सीटी पढ़ेगा नहीं, और सीटी पढ़कर ही हमारे डिस्प्ले को देता है। देखिए यहाँ देखिए अलग से रेजिस्टेंस लगाया है, ये है, ये किया क्या, उसने दबा दिया है, एक कागज लगा के ये सीधा छोड़ दिया है। रेजिस्टेंस कितना स्लो हो जाता है, आप रेजिस्टेंस की क्षमता कितना होगी वो देखा जाएगा, रेजिस्टेंस लगाता है 30%, 30% है एक रेजिस्टेंस का है, इसमें भी 30% है, एक ही रेजिस्टेंस है, दो रहता तो 60%, दो लगा देंगे तो 60% हो जाएगा।
देख रहे हैं अलग से बाइंडिंग की गई है, देखिए अलग से बाइंडिंग की गई है, सोल्डिंग की गई है। ये तार है ना, ये तार और ये तार एक में होना चाहिए। जो तार है सीटी की जो तार जा रही है इसमें कनेक्ट होना चाहिए। इसको इसको कनेक्ट कर, जो सीटी हमारा ये सीटी है तो सीटी, इसी सीटी से हम करंट पढ़ते हैं कि कितना हम करंट यूज कर रहे हैं और वो डिस्प्ले पर बताता है। फोन करते क्या है सब, वो अपना जब चाहे चालू कर दें जब चाहे बंद कर दें। अच्छा मीटर ही बंद हो गया। हाँ मीटर, मीटर मतलब करंट घर में जाएगी लेकिन सर अप्लायंसेस चलेगा लेकिन मीटर बाईपास हो जाएगा, इसकी सर्किट में करंट नहीं आएगा। वो रिले जो है ऑपरेट कर जाएगी, रिले ऑपरेट करने से जो है फिर जो है ये बाईपास हो जाएगा। कैसे चेक करते हैं हम करंट दे रहे हैं, कितना करंट आउटगोइंग दे रहा है। जैसे हम 25 एम्पीयर करंट में रहा, चाहे 20 एम्पीयर, 5 एम्पीयर करंट पड़ रहा है मीटर, और साइड में जो 2 एम्पीयर पड़ रहा है यानी मीटर स्लो है, 3 एम्पीयर का अपना आदि का चेक मीटर की तरह लगाते हैं। एक टर्म टेस्टर होता है वो, उससे जो है करंट नाप लेते हैं कि करंट कितनी इसकी सर्किट में जा रही है, और वही करंट मीटर में भी पढ़ते हैं। तो अगर बाईपास है तो टर्म टेस्टर करंट ज़्यादा पड़ेगा और ये मीटर जो है करंट कम पड़ेगा, तो उससे पता लग जाता है इसकी मीटर के अंदर कोई ना कोई जो है टेम्परिंग की गई है। उसी से मतलब आइडिया पहले ही लग जाता है कि इसमें कुछ टेम्परिंग है। तो सील देखी जाती है, सील अड्डी पर रजिस्टर होता है तो दोनों उसका धुआते वहीं पर, हम अपनी पाई चेक होता है, ड्राफ्टिंग होती है और तैयार होता है। उसमें जिस दिन मीटर डिस्टर्ब होगा उसी दिन वो सर्वर को बता देगा कि मीटर बंद है या डिस्टर्ब किया गया है। जो भी केबल जिससे पावर सप्लाई हो रही है उसको इसके अंदर करके जो है उसको ऑन कर देंगे तो ये बताने लगा इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें। हाँ तो इसकी करंट और मीटर की करंट को मैच करा, जब दोनों में डिफरेंस होता है इसका मतलब मीटर में कोई टेम्परिंग है। तो पहले इसको केबिल में लगा चेक करते हैं। हाँ केबिल में लगा दिया, इसके बाद मीटर लगाया, मीटर के पहले जो केबिल है बस वही लगा दिया इसको, एक तरह से मीटर हो गया। ये इसमें पढ़ा कि इसमें कितनी करंट जा रही है और ये मीटर में कितनी जा रही है, अगर दोनों में डिफरेंस आ गया इसका मतलब मीटर में कुछ टेम्परिंग है। हमारे लिए बहुत थोड़ा डिफरेंस आता है तो नहीं, वो नहीं लगता नहीं कर देते हैं, जब आधा पड़ता है 40% पड़ता है तब जा सकते हैं। अगर 1-8% रहा है तो उसका डिफरेंस हो सकता है। सीटी में स्लो हो गई है तो भी चेक होता है, बहुत ऐसे मीटर थोड़ा तो नहीं पाया जाता है, स्लो पाया गया। जैसे 15-16 साल जिसे मीटर, जिसे मीटर चेंज किया जाता है ना, 16 साल में मीटर नहीं चेंज करवाया लोग, जब तीन चार घर बंद कर दिए लोग तो पुराना होता है तो उसका सीटी भी स्लो हो जाती है, कोई भी चीज़ पुराना स्लो हो जाएगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए हमारे चेयरमैन साहब के आदेश पर जो है जो हाई लास्ट फीडर हैं उनकी हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। उसी के दौरान जो है उन फीडरों पर जो है, जैसे हमारे यहाँ 5 फीडर लिए गए हैं, एक दुर्गावाड़ी फीडर है, कोतवाली फीडर है, माधोपुर है, आधियारी बाग फीडर है और रामनाथ फीडर है। इसमें करीब 40-45% का ATC लासेज है। तो इन्हीं फीडरों पर हम लोग इसमें कामिंग अभियान चलाए हैं, उसमें तरह तरह की जो है मीटर में टेम्परिंग मिल रही है। कुछ मीटर में जो है संट लगे मिल रहे हैं जिससे कि मीटर स्लो हो जा रहा है। कुछ मीटर में कल तो पाया गया, एक मीटर में जो है यहाँ कोतवाली में जो है मियाँ बाज़ार में एक मीटर में रिमोट लगा करके चोरी कर रहे थे, तो उन सभी लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। कल कुल मिलाकर के 9 FIR दर्ज कराई गई है, 9 में से 8 तो लोग मीटर में संट लगा कर चोरी कर रहे थे और एक लोग मीटर में जो है वो रिमोट डिवाइस फिट करके जो है दूर से उसको कंट्रोल कर रहे थे, तो उन 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। कुछ लोग ऐसे भी पाए गए हैं जो कि जो है घरेलू विधा में करेक्शन लिए हैं और कमर्शियल का प्रयोग कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 किलोवाट पर जो है 2 AC 3 AC चला रहे हैं, उनके मीटरों में रीडिंग छूटी हुई मिल रही है।
तो इस प्रकार के भी केसेस मिल रहे हैं, उनको हम लोग जो है उसका जो है जितनी रीडिंग छूटी हुई है उसका बिल बना करके दे रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हाँ, वसूली अच्छी वसूली हो रही है हमारी। हम लोग बकाए पर डिस्कशन भी कर रहे हैं और करीब जो है 15-15.5 लाख रुपए की वसूली हुई है कल इन मामलों में। जो बड़े बकायेदार हैं उनके खिलाफ, बड़े बकायेदार 10 किलो वाट से अधिक भार के जो उपभोक्ता थे उनके खिलाफ हम लोगों ने 3 दिन का अभियान चलाया था। उसमें बहुत अच्छी वसूली हमारी हुई थी, करीब 1.5 करोड़ रुपए हम लोगों ने वसूला था। तो आज की डेट में 10 किलो वाट से अधिक भार के जितने उपभोक्ता हैं सबका बिल का भुगतान हो गया है। अब हम लोग दूसरा अभियान चला रहे हैं 5 से लेकर 9 किलो वाट के भार के जो उपभोक्ता हैं उनके बकाए जो हैं उस पर जो है अभियान हम लोग चालू करने जा रहे हैं। जेईज वाइज लिस्ट बना लिए हैं, कल से उन पर भी कार्रवाई शुरू कर देंगे। लेज़र रेज चला करके उसको नो डिस्प्ले कर दिया, तो उस तक पहुंचने की हम लोग कोशिश में आए हैं। उनके खिलाफ़ FIR कराई जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तभी ये चीज़ें रुक पाएंगी। क्या लगता है कि गैंग सक्रिय है गोरखपुर में इस तरह? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेली जो है कल जैसे हमने बताया कि 9 मामले पकड़े गए। तो ये तो कोई एजेंसी है, कोई है जानकार जो कि मीटर में शंख लगा रहा है या रिमोट लगा रहा है या उसको डिस्प्ले को गायब कर दे रहा है, तो उपभोक्ता तो नहीं कर सकता ये, तो वो उपभोक्ताओं से कुछ पैसा लेकर के ये करते हैं जो उनका काम है, उन तक पहुंचने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मीटर चेकिंग करने कैसे पहुंचते हैं, किस तरह से? मीटर से चेकिंग के लिए जैसे कि हम लोग जो है हर मीटर में जो है मीटर में करंट हर और भी डेटा के साथ में करंट भी आती है कि उपभोक्ता कितनी करंट ले रहा है। और एक यंत्र है इसको हम लोग टंगस्टन बोलते हैं, इसको जो है सर्किट में लगा करके ये नाप लेते हैं कि करंट कितनी जो है उपभोक्ता का कितनी करंट का उपभोग कर रहा है और उस करंट को मीटर की करंट से मैच कराते हैं। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो ये हम लोग ये एश्योर हो जाते हैं कि इस मीटर में कोई ना कोई जो है टेम्परिंग की गई है और इसी आधार पर हम लोग मीटर को वही साइड पर तोड़वाते हैं। क्या इसे उपभोक्ताओं चेतावनी देना चाहते हैं जो इस तरह काम करके अभी तक बचे हुए हैं? विभाग की एक बहुत अच्छी योजना है स्वतः जो है घोषणा योजना, उसमें ये कहा गया है कि अगर उपभोक्ता स्वयं आगे आता है और कहता है कि हमने जो है किसी लालच में आकर किसी के बहकावे में आकर के मीटर में जो है संट लगवा लिया है टेम्परिंग की है, स्वतः घोषणा कर देता है तो जो उसका असेसमेंट किया जाता है केवल उससे जो है 3 महीने का जो है असेसमेंट करके उसका पूरा FIR नहीं कराई जाती, उसका पूरा केस जो है समाप्त कर दिया जाता है, उसके यहाँ नया मीटर लगा करके उसको ईमानदार उपभोक्ता की श्रेणी में रख दिया जाता है। तो अपील हमारी ऐसे है सभी उपभोक्ताओं से आपके माध्यम से ये है कि जो लोग किसी लालच में आकर किसी बकावे में आकर के ये कार्रवाई कर दिए हों, अपने मीटर में टेम्परिंग कर दिए हों, स्वतः आकर के घोषणा करें तो वो FIR से बच सकते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, केवल पिछले 3 महीने का उनका राजस्व निर्धारण किया जाएगा जो वर्तमान में उनकी विद्युत खपत है उसके आधार पर 3 महीने का और पैसा लेकर के उनको जो है रेगुलर उपभोक्ता कर दिया जाएगा। क्या अभी तक कोई इसका सामने आया? अभी 4-5 केसेज आए थे, अभी 2-3 महीना पहले आए थे 4-5 केसेज आए थे, उनको हमने कर दिया, उनका नाम पता सब कुछ गुप्त रखा किसी को पता ना चले। तो ये अपील है जो कर लिए हों, और ऐसे काफ़ी संख्या में लोग हैं क्योंकि कल हम लोगों ने 9 लोगों को ऐसे लोगों को पकड़ा है, तो इससे ये ऐसा प्रतीत होता है कि काफ़ी संख्या में लोग हैं, वो अगर आगे आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे और उनका जो है पूरी पहचान गोपनीय रखेंगे और उनका 3 महीने का असेसमेंट जमा करा करके उनका मीटर बदल देंगे, सही मीटर लगा देंगे और रेगुलर कर देंगे उनका।